नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आइए सबसे पहले एक नजर 15 सेकंड में खबरों पर। नए संसद भवन में सेंगोल रखेंगे पीएम मोदी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, यह सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक पंडित नेहरू ने अंग्रेजों से ली थी, कांग्रेस ने भुलाया। अमित शाह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 28 मई को पीएम मोदी नई संसद का करेंगे उद्घाटन। 60,000 श्रम योगी का सम्मान भी करेंगे प्रधानमंत्री। नए संसद भवन के उद्घाटन पर सियासत, सीएम भूपेश बघेल ने कहा, राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए था उद्घाटन। पुराना संसद भवन ब्रिटिश काल में बना, इंदिरा राजीव गांधी कैसे कर सकते थे उद्घाटन। श्रीनगर में G20 बैठक का तीसरा और आखिरी दिन, G20 डेलीगेट्स ने श्रीनगर शहर के कई जगहों पर किया दौरा। कश्मीर के पारंपरिक कपड़ों में खिंचवाए फोटो। 9 मई को हुई हिंसा के बाद अब तक 35 पीटीआई नेताओं ने छोड़ा इमरान का साथ। पीटीआई उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी को पुलिस ने रिहाई के कुछ घंटों बाद फिर किया गिरफ्तार। पंजाब के अमृतसर में गैंग वॉर में गैंगस्टर जनरल सिंह की हत्या। नकाबपोश बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, सामने आया वारदात का CCTV। जम्मू संभाग के किश्तवाड़ में बड़ी सड़क हादसा और एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त, 7 लोगों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं की अब 27 मई को बैठक, पहले 25 मई को बुलाई गई थी बैठक। 27 मई को मल्लिकार्जुन खड़गे विधानसभा चुनाव को लेकर करेंगे मंथन। बालाघाट वागेश्वर बाबा की हिंदू राष्ट्र पर फिर हुंकार, बोले जातिवाद को मिटाना है। स्कूलों में रामायण गीता और महाभारत भारत में नहीं तो क्या पाकिस्तान में पढ़ाए जाएंगे। बाबा वागेश्वर प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को मिली वाय कैटेगरी की सुरक्षा, मध्य प्रदेश सरकार ने जारी किया आदेश। भोपाल में बीजेपी ऑफिस में बड़ी बैठक, कांग्रेस के आरोपों और बयानों का कानूनी रूप से जवाब देने की बनी रणनीति। बीजेपी विधि प्रकोष्ठ लेगा अब लीगल एक्शन। जून में कोलगढ़ी का पुनर्निर्माण का होगा शिलान्यास। कोल जनजाति सम्मेलन में सीएम शिवराज कदान, कहा समाज का सम्मान वापस लौटाने का करेंगे काम। ओडिशा के कटक में छत्तीसगढ़ के तीर्थयात्रियों से मारपीट, टोल टैक्स को लेकर मुंडली चेक गेट पर कर्मचारियों ने पर्यटकों पर किया हमला, हमले में 10 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल। रायगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव की तैयारियों को लेकर बैठक, 1 जून से 3 जून तक रामलीला मैदान में महोत्सव, 10 से ज्यादा राज्यों से आएंगी रामायण मंडली। रामायण महोत्सव को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा प्रतियोगिता कराएं लेकिन कालनेमी की तरह नहीं, आस्था के साथ कराएं। HUT के संदिग्ध आतंकियों की भोपाल कोर्ट में पेशी हुई, 2 जून तक भेजे गए न्यायिक हिरासत में। पुलिस ने कोर्ट से नहीं मांगी रिमांड, भोपाल हैदराबाद और छिंदवाड़ा से पकड़े गए थे 16 संदिग्ध आतंकी। बीजापुर में 25-25 किलो के 2 आईडी बम बरामद, नक्सलियों ने बासागुड़ा मार्ग पर लगाए थे आईडी बम, BDS की टीम ने मौके पर किया डिफ्यूज। सुकमा में लाल आतंक के खिलाफ अभियान का असर, 2 नक्सलियों ने किया सरेंडर, चिंता गुफा और किस्टाराम इलाके में थे एक्टिव। भिंड में बदमाशों ने ढाबा संचालक को मारी गोली, जिला अस्पताल में इलाज जारी, खाना खाने के बाद रुपए मांगने को लेकर हुआ था विवाद। भोपाल पेट्रोल डालने पहुंचे बदमाशों ने अचानक से पेट्रोल के नोजल पर लाइटर से लगाई आग, एक बदमाश गाड़ी में आग से झुलसा, दूसरे को पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने पकड़ा, तीसरा हुआ फरार। बिलासपुर में सेंट्रल लाइब्रेरी में ब्लास्ट, नूतन चौक स्थित बेसमेंट के फ्यूज में शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा, चारों तरफ मची अफरा तफरी। रायपुर में पुलिस ने आरोपियों का निकाला जुलूस, बदमाशों ने NSUI प्रदेश सचिव को मारा था चाकू, डीडी नगर थाना क्षेत्र का था मामला। जगदलपुर में KK रेल लाइन पर थमे दोनों ट्रेनों के पहिए, 25 से 30 मई तक नहीं आएंगी नाइट एक्सप्रेस, 26 से 29 मई तक कैंसिल रहेंगी 1 और 2 वी के पैसेंजर। मध्यप्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट की तारीख घोषित, गुरुवार को आएंगे 10वीं रिजल्ट, स्कूल शिक्षा मंत्री जारी करेंगे परीक्षा परिणाम। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर श्रीधर सोमनाथ ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में पहुंचकर की पूजा, महर्षि पाणिनि विवि के कुलपति भी रहे हैं साथ।